अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज वैसे सबसे बड़ी खबर के तौर पर देखा जाए तो कल रात वजीर रियासत उमेश कत्ती की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। आज इनके अचानक चले जाने से सियासी खला महसूस की जा रही है। कल रात दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया था, इसका भी वीडियो वायरल हुआ। लिहाजा आज पूरे दिन भर में उमेश कत्ती की मौत का तस्करा और इनकी कारकिर्दगी पर ही बहस रही। खासकर इनकी मौत के बाद प्राइवेट हवाई जहाज से बेलगाम सांबरा लाया गया, यहां से बेलत बागेवाड़ी में इनके आखिरी रस्मात को अंजाम दिया गया। दरअसल भाजपा में एक मनसूबाबंद तरीके से काम को अंजाम देने वाले माहिर सियासतदान के तौर पर इन्हें याद किया जाता रहा है। 6 बार MLA और 2 बार वजीर रियासत बनने का मौका मिला। उत्तर कर्नाटक अलग रियासत बनाने का ख्वाब और साथ में बेलगाम जिलों को भी 3 हिस्सों में बांटने का मंसूबा उमेश कत्ती का था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और यह ख्वाब इनका अधूरा ही रह गया। बेलगाम कांग्रेस के किंग मेकर कहे जाने वाले सतीश जारकीहोली को इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर चुनौती देने का मुकम्मल मंसूबा कत्ती ने बनाया था और इसी के मद्देनजर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। लिहाजा अचानक एग्जिट से भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है। एक बार नए तरीके से फिर भाजपा को सियासी बिसात बिछानी पड़ेगी, लेकिन जो बात उमेश कत्ती में थी वो किसी और में आना मुश्किल है, ऐसा सियासी माहिरीन का कहना है। 1983 में उमेश कत्ती के वालिद की भी इसी तरह बेंगलोर में मौत हो गई थी, पर आज की तरह हवाई जहाज की सहूलतें उस वक्त मुहैया नहीं थी, तो एम्बेसडर कार के जरिए कई बड़े सियासतदान बेलगाम पहुंचे थे। 1985 में पहली मरतबा जनता पार्टी से उमेश कत्ती MLA बने थे, JDS कांग्रेस, इस तरह इनका सियासी सफर जारी था और अब भाजपा में मजबूत लीडर के तौर पर सियासी सफर उन्होंने जारी रखा था। 6 मरतबा MLA बनने का भी एजाज भी इन्हीं को हासिल है और अब भाजपा में भी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए थे। 2009 में उमेश कत्ती ने अलग उत्तर कर्नाटक की मांग का ऐलान कर एक तरह से सियासी हंगामा बरपा किया था। बेलगाम में सुवर्ण सौध की तामीर के बाद अलग कर्नाटक की मांग भी इन्हीं का ख्वाब था। बेखौफ बयानबाजी के लिए भी उमेश कत्ती जाने जाते थे। हमेशा अपने आप को रियासत वजीर के तौर पर रहने की बात वो हमेशा कहा करते थे, लिहाजा मौत अच्छों के ख्वाब को तामीर होने से रोक देती है। अगर भाजपा की बात की जाए और बेलगाम जिलों का खास तौर से जिक्र किया जाए तो पिछले कुछ अरसे में जिले के 2 जाने माने चेहरे मौत के आगोश में चले गए। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल होते देखा जा रहा है। सुरेश अंगड़ी और उमेश कत्ती दोनों ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, कहीं तू आगे चल मैं पीछे तो नहीं कह रहे, ऐसी बात कहते हुए देखा जा रहा है। सुरेश अंगड़ी और उमेश कत्ती दोनों भी येडियुरप्पा के शागिर्द रहे हैं। बेलगाम में आलमी कन्नड़ इजलास और सुवर्ण सौध तामीर करने में इन दोनों का भी अहम किरदार होने की बात कही जाती है। सुरेश अंगड़ी नरम मिजाज तो उमेश कत्ती थोड़ा सख्त मिजाज थे, ऐसा कहा जाता है। वैसे भाजपा की पहचान ही मुस्लिम मुखालिफ पार्टी के तौर पर रही है, लेकिन जितना जहर मुसलमानों को लेकर उमूमन भाजपा लीडर उगलते हैं उतना इन्हें नहीं देखा जाता। लिहाजा उमेश कत्ती के करीबी कई सारे मुस्लिम भी होने का जिक्र किया जाता है। आज भी उमेश कत्ती की मौत हुई तो केरी के कई मुस्लिम जिम्मेदारान ने मुसलमानों से हुस्न सलूक होने का जिक्र किया। खैर इतना तो सच है कि मौत ही सबसे बड़ी सच्चाई है, कोई अमीर गरीब इसके सामने क्या मायने रखता है। आखिर में मुकामी गाँव बेलत बागेवाड़ी को फौजी गाड़ी में मैयत को लाया गया, विश्वराज शुगर फैक्ट्री के इहाते में आखिरी दर्शन के तौर पर रखा गया। लिंगायत समाज के 50 पुजारियों को भी बुलाया गया था, हवा में फायरिंग कर इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। वालिद विश्वनाथ कत्ती और वालिदा राजेश्वरी के करीब में उमेश कत्ती को दफनाया गया। इस वक्त वजीर आला बम्बई के साथ तमाम रियासती वजारात भी मौजूद थे। वजीर आला ने आज से 3 दिन रियासत में शोक मनाने का ऐलान किया है। ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲೆಂದು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಭರವಸೆಯಲ್ಲೆಂದು ಅವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಕೇರಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕೇರಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊತ್ತೇನೆ. ಕಿರಿಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ದಿವಂಗತ ಉಮೇಶ ನಾಟಕಿಯವರು ಇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಅಗಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸದಾ ಅವರ ನೆನಪು ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವರ ಜನದೇವರು ಹಮೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಶಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಿ ಅಂತ ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
स्पेशल नम मुस्लिम बांधवे गवर्मेंट हाईस्कूल मंजूर माँ विद्य दानी अदे नेप ना सदा नम समाज नेनसू दरव हब्बली नेनसू और नम ऊर मुस्लिम केस वार केसूर अद मीरी कलस अदर कुटुबद दुखली नमें सेवी और सुख कुटुब के दुख सहित शक्ति देवर को नानू मृणुन जमात अध्यक्ष समस्त मुस्लिम हमारे पूरे तालुके के लिए गम का मौका है, क्योंकि हमारे मंत्री जो है उमेश छेत्री साहब जो है हमारे तालुके के लिए हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। उनसे पहले ऐसे काम कोई नहीं किया है, अब ऐसा आना भी मुश्किल है। और हाँ, यहाँ पर जो है बहुत सारे उन्होंने काम किया है, जितने भी उनको काम को याद किया जाए कम है। यहाँ तक कि जो है हिंदू मुस्लिमों को लेकर चले हैं, इत्तेहाद के साथ उनको लेकर चले हैं, कभी भेदभाव नहीं किया है। और ऐसा तो जो इसी तरह हर जो है आने वाला जो है मंत्री हो MLA हो तो जो है हर एक को साथ को लेकर चलने वाला बने, इनके नक्श कदम पर चलने वाला बने कि जो है एक बड़ा ओहदा आने के बाद किस तरह चलना है। उनके जो है सीरत को देखे, उनकी हिस्ट्री को देखे, वो कैसा चलते थे, हर एक को लेकर चलते थे, हर एक कोशिश करे कि जो आने वाला जो है लेकर चलने की कोशिश करे। बेलगाम शहर की खबरें चीता या तेंदुआ के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वैसे रियासती वजीर उमेश कत्ती ने किसी हाल में तेंदुआ को पकड़ने का वादा किया था और कांग्रेस की जानिब से एहतजाज करने पर यह भी कहा था कि अगर मेरे इस्तीफा देने से तेंदुआ पकड़ा जाता है तो इस्तीफा देने के लिए मैं तैयार हूँ। खैर, आज इनकी मौत ने सियासी शोबे में गम का माहौल है, पर तेंदुआ की कहानी अब भी जारी है। वैसे भी अफवाहें, जब से तेंदुआ रेस कोर्स में होने की खबर आई है तब से अफवाहें उसी तेजी से फैल रही है जिस तेजी से तेंदुआ दौड़ लगा रहा है। आज सुबह सोशल मीडिया के जरिए तेंदुआ बेलगाम किला में आने की खबर फैलाई गई और कहा कि किले के गेट बंद कर दिए हैं, मतलब अपने तौर पर कहानी बनाने वालों की भी कुछ बेलगाम शहर में कमी नहीं है। और ये बात शहर में फैलती ही चली गई। कईयों ने हमें राब्ता कर इसकी तस्दीक करने की कोशिश की, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही थी। किले का गेट जरूर बंद किया गया था। इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल से गुजरते वक्त मंदिर के सामने दिल का दौरा पड़ने से गिर गया, जिसकी वजह से और 4 अफराद भी जख्मी हो गए। लिहाजा इसकी वजह से किला का गेट बंद कर दिया गया था। सुबह मॉर्निंग वॉक को जाने वालों ने जब गेट बंद देखा तो किसी ने चीता नजर आने की खबर कही तो किसी ने बंद गेट का वीडियो बनाकर चीता किला में नजर आया, जिसकी वजह से गेट को बंद कर दिया गया है ऐसा कहा। फिर क्या था कि बेलगाम शहर में यह खबर फैलती ही गई। आखिर में हकीकत मालूम हुई तो लोगों ने इत्मीनान की सांस ली। इतना तो जरूर है कि अगर एक माहौल बना हुआ है तो लोग यकीन भी जरूर कर लेते, इतना भी नहीं सोचते कि तेंदुआ किला तक पहुंचेगा कैसे। खैर, आज इसी पर तस्करा पूरे शहर में होते हुए देखा गया। शहर में कुछ देर की बारिश भी बाढ़ जैसे हालात बनाती दिखाई दे रही। बेलगाम शहर और अतराफ में बारिश के मद्देनजर कई मकान ढहने के साथ बाढ़ की वजह से घरों में पानी दाखिल होने की इत्तला भी हासिल हुई है। कन्नूर गांव का ये वीडियो काफी वायरल हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना तेज पानी बह रहा है और उसी तेज बहते पानी से और घर से लोगों को निकालने का राहत काम भी कुछ नौजवान अंजाम दे रहे हैं। इत्तला के मुताबिक 6 महीने का बच्चा घर में था जिसे लोगों ने बचाया। इसी तरह बेलगाम शहर की तस्वीर देखने के बाद ऐसा लगता है कि आखिर स्मार्ट सिटी किसे कहा जाए और बेलगाम को किस बुनियाद पर पहला नंबर स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में दिया गया। इससे पहले भी कई बारिशों को बेलगाम शहर ने देखा है, मुस्तकिल बारिश भी कई महीने होते हुए भी देखा है, लेकिन सिर्फ निचले इलाकों में ही बारिश का पानी रुकता था। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। कुछ ही देर की बारिश होने के बाद पानी घरों में दाखिल होते देखा जा रहा है। सिर्फ निचले इलाकों में ही नहीं तो अहम सड़कों पर भी पानी भर जाता है। बाजारों में बाढ़ जैसे हालात देखे जाते हैं। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार? अवाम का कहना है कि अगर इस तरह की स्मार्ट सिटी होती है तो पहले वाली बेलगाम सिटी हमें लौटा दो। साउथ के MLA ने खाऊ कट्टा के बारे में कहते हुए अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने बेहतरीन खाऊ कट्टा बनाया है। बारिश की जद में ये भी खाऊ कट्टा आ गया। जाहिर है इससे MLA की फजीयत होते हुए देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं। खैर, एक बार फिर बेलगाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखकर स्मार्ट सिटी अब एक मजाक बनता दिखाई दे रहा है।
आज हरमैन टूर्स की जानिब से 50 से ज्यादा हुज्जाज किराम उमरा के लिए रवाना हुए। बेलगाम अशोकनगर में उमरा को जाने वालों की कसीर तादाद और इनके रिश्तेदारों की भीड़ देखने को मिली। पिछले कई सालों से हज उमरा के लिए यहां से हुज्जाज किराम मक्का मदीना और मुख्तलिफ मुकद्दस जगहों की जियारत करने के लिए जाते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। यहां पर काफी तादाद में उमरा के लिए जगह तशरीफ ले जा रहे हैं और हम तमाम उमरा में शरीक होने वालों से जिन्हें गुजारिश करते हैं कि तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की जान व माल की और उनकी इज्जत की आबरू की और मुसलमानों की बका के लिए जिन्हें दुआ करें और सरकार की खिदमत में हम तमाम शहर बेलगाम के मुसलमानों की जानिब से जिन्हें आदाब कदम उससे जिन्हें अर्ज करें और मैं इसके साथ साथ जिन्हें इकबाल ज़कती साहब का भी जिन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिन्हें हमें कुछ कहने का जिन्हें मौका फराहम किया। इसके लिए जिन्हें मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और साथ ही जिन्हें न्यू हरमैन टूर्स एंड ट्रैवल्स का जिक्र शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो सारे जहाँ का मालिक है। मैं टूर एंड ट्रैवल्स के गाइड में ओनर हूँ और हमारा ये सफ़र कल 17 दिन का है और इसके अंदर हुज्जाज किराम 50 हुज्जाज किराम का काफिला है। इंशाल्लाह ताला हमारी कल 4 बजे की सुबह की फ्लाइट है सऊदी एयरलाइंस। इंशाल्लाह हम लोग जुमेरात के रोज़ इंशाल्लाह हम सुबह में 7 बजे जिद्दा एयरपोर्ट पर रहेंगे और इंशाल्लाह कल 12-1 बजे तक हमारा उमरा भी इंशाल्लाह मुकम्मल होगा और हमारा पूरा पैकेज सब 8 तारीख से 7 तारीख से लेके 23 तारीख तक का हमारा पैकेज।